प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया में 14वें सियोल शांति पुरस्कार से शुक्रवार को सम्मानित हुए। इस सम्मान को पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय हैं। ये सम्मान मोदी को उनकी आर्थिक नीतियों एक्ट ईस्ट नीति और विकासोन्मुखी कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। खास बात यह है कि मोदी ने इस सम्मान की राशि नमामि गंगे अभियान को समर्पित कर दी है। मोदी से पहले ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिवों कोफी अन्नान और बान की मून को भी दिया जा चुका है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये सम्मान मेरा नहीं है, पूरे देश का सम्मान है। आज विश्व ने भारत की वासुदेव कुटुंबकम नीतियों को अपनाया है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान के साथ जो राशि मिली है वे उसे नमामि गंगे के फंड में भेंट करना चाहते हैं। इस दौरान मोदी ने स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, जनधन खातों, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का जिक्र भी किया। आगे मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हमारी सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने जमीन पर बड़ा काम किया है। आतंकवाद को लेकर मोदी ने कहा कि आज आतंकवाद दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बना है। इससे लड़ने के लिए दुनिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। आतंकवाद की बीमारी विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत ने हमेशा दुनिया को शांति का संदेश दिया। उन्होंने इस दौरान यहाँ शांति पाठ भी किया। ये अवार्ड महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर मिल रहा है। ये काफी बड़ी बात है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया का भी साथ मिला है। आतंक के खिलाफ लड़ने में दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति मून जे इन भारत के साथ आए हैं। दोनों देशों की एजेंसियों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का समझौता हुआ है। सियोल शांति पुरस्कार के लिए विश्व भर से 1300 नामांकन मिले थे। अवार्ड कमेटी द्वारा इनमें से 150 उम्मीदवारों को अलग हटा दिया है। 150 उम्मीदवारों में से पीएम मोदी का सिलेक्शन किया गया है। कमेटी ने मोदी को द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दी 2018 सियोल पीस प्राइज कहा है, जो कि बहुत बड़ा सम्मान मिला है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.